एक तरफ जहां रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में एक ऐसी महिला चर्चा में आ गई है जिसका संबंध रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बताया जा रहा है। जी हां, इस महिला का नाम अलीना कबाएवा है, जिसे पुतिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले उन्हें स्विट्जरलैंड में पहाड़ों पर एक गुप्त बंगले में भेज दिया गया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अलीना को साइबेरिया के पहाड़ों पर एक हाईटेक बंकर में रखा गया है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब अलीना को स्विट्जरलैंड से निकालने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसको लेकर change.org पर 55,000 से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाली एक ऑनलाइन पिटीशन दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि अलीना को स्विट्जरलैंड से तुरंत बाहर निकाला जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अलीना कबाएवा कौन है, जिनका दुनिया भर में विरोध किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 38 साल की अलीना एक पूर्व एथलीट और जिम्नास्टिक है। अलीना ने ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल भी जीता है। इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में 21 मेडल अपने नाम किए हैं। उन्हें रूस की सबसे फ्लेक्सिबल बॉडी वाली महिला के रूप में जाना जाता है। कई लोगों का दावा है कि पुतिन ने 2013 में अपनी पहली पत्नी लुडमिला से तलाक लेने के बाद गुप्त तरीके से अलीना के साथ शादी कर ली थी। हालांकि रूसी सरकार ने ऐसे दावों को शुरू से ही खारिज किया है। लेकिन दावा ये भी है कि अलीना को रूस में कई सरकारी सुविधाएं भी मिली हुई हैं। वो पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी से 6 साल तक सांसद भी रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सितंबर 2014 में उन्होंने पुतिन की पार्टी को छोड़कर रूस के नेशनल मीडिया का कार्यभार संभाला था, जिसकी चैनल वन में हिस्सेदारी है। चैनल वन रूसी सरकार के नियंत्रण वाला एक न्यूज चैनल है। ब्रिटेन के न्यूज़पेपर डेली मेल के मुताबिक अलीना ने कई सालों तक एक मीडिया होल्डिंग कंपनी का नेतृत्व किया, जहां पर उन्हें सालाना 8 करोड़ पाउंड सैलरी मिला करती थी। इस सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उन्होंने अभी तक सिर्फ एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने रूस की टीम को बीजिंग पैरालंपिक से बाहर निकाले जाने की आलोचना की थी। वहीं पुतिन पर निशाना साधते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अलीना को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग उठा दी है। दावा है कि जेलेंस्की की मांग को अब स्विट्जरलैंड के लोगों का समर्थन मिल गया है और वो अलीना को देश से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड के लोग उन्हें इसलिए अपने देश में ठहरने की जगह नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि अलीना के रिश्ते यूक्रेन को युद्ध में धकेलने वाले पुतिन से हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब अलीना बुरी तरह फंस गई हैं।